दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों अमेरिका और रूस के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन आगामी 16 जून को G7 देशों की बैठक के बीच स्विट्जरलैंड में मुलाकात करने जा रहे हैं। दोनों धुर विरोधी नेताओं की इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इस बीच विशेषज्ञों का ये मानना है कि बाइडेन और पुतिन के बीच मुलाकात भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि चीन को देखते हुए इन दोनों देशों का साथ आना भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार सी राजमोहन ने अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी में लिखे लेख में कहा है कि भारत इस मुलाकात से बेहद खुश है। भारत को आशा है कि इस मुलाकात से दोनों नेताओं के साथ चलने का रास्ता साफ हो सकता है। राजमोहन ने कहा है कि अमेरिका और रूस के बीच अच्छे रिश्ते थे, निश्चित रूप से भारत के लिए आक्रामक चीन को संतुलित करना और आसान हो जाएगा। और वहीं इसी के साथ ही जो बाइडेन रूस के साथ संबंध सुधार कर पुतिन से बड़ा खतरा बन चुके चीनी ड्रैगन पर नकेल कसना चाहते हैं, साथ ही साथ वो यूरोप को भी चीन पर काबू पाने के लिए अपने साथ लाना चाहते हैं। वहीं जो बाइडेन उस अमेरिकी सोच को बदलना चाहते हैं जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका रूस और चीन के साथ एक साथ नहीं निपट सकता। हालांकि रूस के साथ तनाव कम होने पर यूरोप के देश एशिया पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे और साथ ही साथ चीन को संतुलित करने के अमेरिकी प्रयासों पर भी ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि भारत और जापान यूरोपीय शक्तियों, खास तौर पर ब्रिटेन को एक बार फिर से एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में लाना चाहते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत और जापान दोनों ही चाहते हैं कि रूस चीनी आक्रामकता के बीच में एशिया में न केवल एक स्वतंत्र भूमिका निभाए बल्कि जरूरत पड़ने पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन भी स्थापित करे। नई दिल्ली, टोक्यो और मॉस्को ट्रैक टू बातचीत कर रहे हैं ताकि तीनों देशों के बीच में एक समान समझ विकसित की जा सके। जिस तरह से रशिया के इर्द गिर्द अभी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे ये साफ हो गया है कि G7 में जहां चीन को घेरने का काम चल रहा है, वहीं स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में रूस को अपने पक्ष में लाने का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है ताकि बिगड़ी बाजी को फिर से बनाया जा सके।